गुजर रहा था, वारदात हुई थी, लोगों ने रोड बंद किया हुआ था, रोड खुलवाया, SHO कहा कि उनकी चीजें बरामद कराए सदर थाने के हाथ। इनका इलाके के मुखियों का कहना है 5 चोरी पहले भी हुए इस तरह साइकिल मोटर चीज। SHO को बिल्कुल हम कह रहे हैं कि अपना करे, आगे ईद का मौका भी आ रहा है तो करें सख्ती, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह। मुदाकरात हो गई, गाड़ियां भी मैंने किया है, SHO ने 3 दिन का टाइम दिया है कि इनकी 6 चीजें बरामद कराएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं जनरल खान जमाली के साहबजादे मीर फारूक खान जमाली यहां पे पहुंच गए हैं और यहां पे SHO सदर थाना पे करीबश खान रिंद भी मौजूद है। यहाँ पे इलाके के मुकीन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आ गए हैं, जिनका कहना है की 3 दिन के लिए हमने मोहलत दी है तो इंशाल्लाह चोरों को गिरफ्तार करेगा और हम अमन अमान बरकरार रखने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। तो आवेदन ख्याल वाला हुआ था थोड़ा बताएं भाई। मैं आ रहा था दुकान से, मोहम्मद याकूब रिंद, मोहम्मद याकूब मिस्त्री हूँ मैं खुद। मैं आ रहा था उधर दुकान से, इन लोगों ने कोई मुझे देख लिया CID के साथ, जैसे कि माना मैं निकला वहाँ से, ये भी मेरे पीछे पीछे आए। मैं अपने हिसाब से जा रहा था, इन तो ये 3 जने थे और उनको ना कोई मोल लगा था, ना कोई भी, ना कोई भी चीज नहीं था, क्लाशन था उसके साथ सरे। हम वो बकाये मोटरसाइकिल हमें देख रहे थे, ये लूट रहे थे, बकाये मोटरसाइकिल हमारे पास नहीं आ रहे थे। मैंने उन्होंने मदद मांगा, उन्होंने कहा नहीं, जो गुंडों ने कहा नहीं इसका मदद नहीं करो, हमें छीन कर यहाँ पर आए, मेरे ऊपर क्लाशन उन्होंने बुल्ट किया, मारने की कोशिश की बाकायदा उन्होंने। आपके साथ क्या क्या चीज था, क्या मेरा मोबाइल था, साइकिल मोटर कौन सा था, साइकिल मोटर 24 मॉडल CD होंडा, जी हाँ मोटरसाइकिल यो, और मोबाइल भी था मेरे पास, नकद 10,000 थे, जी हाँ शनासी कार्ड था उसमें, ये लूट कर चला गया, जी हाँ 60,000 का, 65,000 का मोबाइल था। सर आपका नाम? बरकत अली रिंद है मेरा नाम। आप रिंद हैं? जी हाँ। ये कैसे चोरी हुआ है? गाड़ी हमारे मामू के बेटे का है, वो कारोबारी बंदा है, यानी 2 बजे अपने घर से खाना लेके लेने के लिए आ रहा था। इसके पहले 5 गाड़ियां यहां से, यहां सदर थाना आधा किलोमीटर दूर सदर थाना से 5 मोटरसाइकिल यहां से छीने गए। 5 मोटरसाइकिल, उसकी कोई मुजरका नहीं, ना पुलिस वालों ने किया, ना कुछ भी, ना इनमें कोई फर्क पड़ गया है। लेकिन 6 मोटरसाइकिल हमारा आज छीना गया है, लेकिन वो भी 1:30 बजे दिन से, दोपहर दिन से 1:30 बजे यहाँ से पुलिस बैठा है, उधर चौकी बैठा है, ट्रिपुली चौकी है, या फैजाबाद चौकी है, जाफराबाद चौकी है, कि लेकिन वहाँ वो लोग अपने क्लाशन कोफ बगैर निकाब से आते हैं लोग। आखिर क्या वजह है, क्या उनमें इनके साथ पुलिस शामिल है? अगर आते हैं, हमको अगर रिवॉल्वर पिस्टल जो उठाते हैं तो हमसे पुलिस वाले ऐसे जो 100 सवाल करते हैं कि आप ये कहाँ से लेकर आए हैं, इसकी लाइसेंस है नहीं। लेकिन ये लोग मेरे मामू के बेटे के पीछे से आ रहे थे, ना इसको निकाब था, ना कुछ नहीं था, क्लाश को सरेआम। ये कितने बंदे थे जो चोरी करने वाले थे? वो 2 बंदे थे, इनके साइकिल मोटर लेकर गए, दूसरा क्या चीज लेकर गए? मोटरसाइकिल भी ले गए, मोबाइल भी ले गए और नकद पैसे भी थे। लेकिन इन गरीब ने बहुत कोशिश किया है अपनी मोटरसाइकिल बचाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने अपने गन पॉइंट रख के मोटरसाइकिल छीन लिया। अपना गन पॉइंट कौन सा था, क्लाशन था? एक के बाद क्लाशन था, दूसरे बाद पिस्टल था। लेकिन ये लोग यहाँ से आते हैं कहाँ से? यहाँ पे आप लोगों ने एजाज किया हुआ है, रोड ब्लॉक किया हुआ है, दोनों साइड से लोग भी बहुत तंग हैं और यहाँ पे मुसाफिर भी ठहरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों का, क्या हमारा हक है? ये हमारा हक है, हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर सफर करके अपनी गाड़ी बड़ी बीमारी के लिए घूमने फिरने के लेते, जिस तरह बिल्कुल आपका एहजाज करना हक है। और दूसरी है कि इंतजामिया यहाँ पे पहुंच गई है, क्या कहना चाहिए? कोई भी नहीं पहुंचा है, इंतजामिया कोई भी नहीं पहुंचा है। जब हमने हड़ताल किया, एहतजाज किया है, हम वहां से यहाँ से धरपदर मोटरसाइकिल के पीछे भागे, ना पुलिस हमारे पास आता है, ऐसे जो बैठा था ट्रिपुली पर हमें देखे वो वापस अपने थाने पे आ गया। थाने पे हमें लोग यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ से भी निकल कर भाग गया, पता नहीं किधर गया है। नहीं, ये कुछ भी नहीं, अमन हमारे इलाके का खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। ये इलाके के मौजूदीन कोई आए? मौजूद अभी मीर फारूक खान आए, उन लोगों ने कहा कि हम आपकी हिमायत में शामिल है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, अमन हमारे इलाके में बिल्कुल खराब हो गए। अभी आप लोगों का क्या लाया अमल है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लाया अमल अभी, जब तक हमारे मोटरसाइकिल और चोर नहीं मिल सकते हैं, हम ये रोड नहीं खोलेंगे। ठीक है, आज हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, कल दूसरे भाई के साथ हो जाएगा, ये हम सब के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे मौजूद है लोग, यहाँ बड़ी तादाद में लोग मौजूद, सिर्फ हिंद बिरादरी है, दूसरे लोग भी आ गए हैं हमारे हमारे पास बिरादरी बिरादर हैं, बहुत से कौम है, लेकिन सबका एक एहतजाज की रही है, वो हमारे साथ पूरा अमर और हिमायत जाप्त है। वो लोग हमें कह रहे हैं कि भाई आप आज आपके साथ हो गए, कल हमारे साथ होगा, कल दूसरे के साथ हो जाएगा, लेकिन ये हम सब एहतजाज इकट्ठे करेंगे। 6 मोटरसाइकिल पहले 5 पहले छीने गए, 6 अभी छिट गए। बहुत शुक्रिया जी नाजरी, बिल्कुल इस वक्त देख रहे हैं
हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ये रिंद बरादरी का रापाया ज्यादा मौजूद है। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों साइड से गाड़ियाँ बहुत बड़ी लंबी लंबी कतारों में ठहर गए। यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने हमारा साइकिल मोटर छीना है और हमारे साथ क्लाशनोखो भी था। हम जा रहे थे चोरों के पीछे, इन लोगों ने रास्ते में हमको जो चौकी पर पुलिस मिला है, उसने हमको रोका, बोला आप लोग कहाँ जा रहे हो। हमने बोला हमारा साइकिल मोटर छीन गए हैं चोर, हम उनके पीछे जा रहे हैं। तो पुलिस वाले ने बोला यहाँ पे कोई नहीं छीना है, आप लोग वापस जाओ। बहुत शुक्रिया सर। हम आज ही जा रहे थे, उन चोरों के पीछे जा रहे थे, तो पुलिस वालों ने हमें वापस बोला कि आप नहीं जाएं आगे, इधर नहीं आगे, हम यहाँ बैठे हैं, मोटरसाइकिल कोई नहीं गुजरा है। ठीक है ना, इन लोगों को कैसे पता कि या कोई आगे गुजरा है या नहीं गुजरा है। लेकिन हम अपने मजबूरी से अपना जो हथियार उठा रहे हैं मजबूरी के लिए, जो मेरे मामू के बेटे के पीछे से आ रहे थे लोग क्लाशनकोव से, सरेआम जाफराबाद से 2 किलोमीटर दूर है सदर थाना, सरेआम आते हैं, क्या उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये लोग हथियार उठा रहे हैं? कोई पूछने वाला कि आप हथियार कहाँ से लेकर आए? क्लाशनकोव या पिस्टल सरेआम, ना उसको पास क्या है, ना कोई उसको निकाब है, क्या मसला है? यार ये जब तक ये सदर थाना ऐसे जो अभी यहाँ तश्कील हो गया, इसका यहाँ लगा है, बिल्कुल इलाके का अमन खराब हो गया है। कर रहे हैं सिपाही हैं, ऐसा जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, सारे रिश्वत ले रहे हैं। कुछ ऐसे निकल जाते हैं, 3-3 बंदे 4-4 बंदे अरसला उठा के निकल जाते हैं, आगे जाके वारदात करते हैं, क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं है हमारे बारे में। या हम गरीब बंदा कहाँ पे जाएं ना, हम गरीब बंदा कहाँ पे जाएं? हम रोजी के करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, मोटरसाइकिल बाइक ये करते हैं, हम कहाँ जाएं? हम ये कुछ करते भी नहीं है हमारे। मुजाकरात हो गया भाई जान, आप लोगों का मुजाकरात हो गया मीर साहब? पैसे 20,000, टच मोबाइल 40,000 का था, साइकिल मोटरसाइकिल था, 24 मॉडल सीडी था हमारा, जी हाँ 2024 मॉडल। बिल्कुल, यहाँ पे इस वक्त आपको देख रहे हैं कि मुजाकरात हो गई है, मीर फारूक खान जमाली भी पहुँच गया है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों साइड से गाड़ियाँ यहाँ पे ठहरी हुई थी, जो यहाँ पे अभी इस वक्त रोड खोल दिया गया है। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश, खुदा रहा नोट्स लिया जाए और यहाँ पे आवाम को अमन अमान दिया जाए, ताकि बेहतर तरीके से अपना ईद वगैरह कर सके। तो अपना मेज़बान दिल मोहम्मद को जा दीजिए, देखते रहिए वैसा भैया मुस्तमल।